हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म को वन बाय वन करके देखेंगे कि आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा चैप्टर सॉरी कौन कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, इसका क्या वेटेज है कंपटीशन में, और आपका ऐसे भी अदर जैसो कंपटीशन में इसका वेटेज क्या है, इसकी बात करेंगे। या तो 11 का टॉपिक तो है, लेकिन आपको जितने भी फंक्शन ग्रुप जब पढ़ेंगे 12th में, उसमें भी इसका एप्लीकेशन पड़ेगा और वो भी वहां पर भी इसका यूज होगा। इसीलिए चाहे आप बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ें या कोई फंक्शनल ग्रुप पढ़ें, जैसे मान लिया जाए कि अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, इथर हो गया या अल्काइल हैलाइड हो गया, तो वहां पर भी इस आइसोमेरिज्म का जो है सो चर्चा किया जाता है और इसी से कॉम्प्लेक्स जो है सो क्वेश्चन बनता भी है। और इसी में जब हम लोग जो है सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वो काफी इम्पोर्टेंट है। टॉटोमेरिज्म काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि बच्चों को जो है सो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन भी नीट और जेई में पूछा जाता है। इसीलिए ये आइसोमेरिज्म को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिये यहाँ पर आइसोमेरिज्म जो है सो है क्या, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइसोमर्स। पहले आइसोमर्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद अपने आप आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो यहां से लिखेंगे आइसोमर्स में कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are called isomers, and the process या phenomena are called isomery। अभी इस चीज को जो है सो हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि isomers किसको कहेंगे। तो देखिए यहां से एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लिया जाए CH3 CH2OH, और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3, यानी यहां से हम कह सकते हैं C2H6O। यह जो C2H6 जो है, C2H6O जो है, आपको अल्कोहल भी बन रहा है और यहां से इथर भी है, यानी हम यहां से ये कह सकते हैं यह अल्कोहल और इसको लिख सकते हैं ईथर। ड्यू टू मतलब यह जो है अल्कोहल, इट इज लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से यह जो इसका नेचर जो हो जाता है वह लिक्विड हो जाता है। और यह जो है गैस, लिख सकते हैं इट इज गैसियस इन नेचर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के एब्सेंस होने की वजह से इसका नेचर जो है वो गैसियस हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहां से हम कह सकते हैं, इसको यदि ए मान ले और इसको बी मान ले, तो यहां से लिख सकते हैं कि बोथ
ए एंड बी आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का यह क्या होगा आइसोमर्स कहलाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहां से देख रहे हैं कि यह जो आइसोमर्स जो है जैसे C2H5OH या C2H6O, यह जो है सो दो तरह का नेचर शो कर रहा है, एक अल्कोहल का नेचर और दूसरा इथर का। यहाँ पर केवल जो है एटम के अरेंजमेंट की वजह से, यानी यहाँ पर देखिए कि एटम का अरेंजमेंट जो है सो डिफरेंट है। यहाँ पर OH जो है या ऑक्सीजन जो कहा जाए यह बाहर है इस ग्रुप में, यानी OH बाहर है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है यह दोनों कार्बन के बीच में लिंक। अब ऐसे सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि यह दोनों के दोनों जो है सो कंपाउंड डिफरेंट है, और दोनों के दोनों कंपाउंड डिफरेंट होने की वजह से यह जो है सो दोनों का नेचर भी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से यह जो है सो लिक्विड नेचर होगा और यह जो है सो गैसेस नेचर होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ए और बी दोनों के दोनों जो है सो एक दूसरे का क्या बनेगा आइसोमर्स बनेगा। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात यदि करते हैं तो यहां से देखिए कि दो कार्बन और सिक्स हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यहां से देखिए टू कार्बन सिक्स हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन, इसमें भी आप देख सकते हैं टू कार्बन सिक्स हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन, मतलब जो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है वही इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों एक दूसरे का क्या बनेगा आइसोमर्स, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी जो है वह जो है सो आपको डिफरेंट होगा। दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी, तो देखिए दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट करने का मतलब जो है यह लिक्विड इन नेचर और यह गैसेस इन नेचर। तो इस तरह से यह जो है सो आइसोमर्स का जो है सो कॉन्सेप्ट था। अब इसी का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। इस आइसोमेरिज्म को हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और भी इसको लिखेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज, यह जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे यहां से देख सकते हैं चैन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म। इस स्टेरियो आइसोमेरिज्म को टू क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और इसके लिए लिख सकते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यह कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को टू पार्ट में, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसको लिख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
इस तरह से जो है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, यानी यहाँ से देखिए कि यह जो आइसोमेरिज्म जो है, इस आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग 6 पार्ट में पढ़ेंगे, चैन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ठीक इसी तरह से स्टेरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 पार्ट में, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और नेक्स्ट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यह कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का 2 पार्ट्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर इसी तरह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को भी कई पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, स्टैगर फॉर्म पढ़ेंगे, इक्लिप्स फॉर्म पढ़ेंगे, एंटी स्कैटर स्टैगर पढ़ेंगे, गाउज फॉर्म पढ़ेंगे। तो कई तरह से इसका भी जो है सो क्लासिफिकेशन है, तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जो बनता है और सबसे कम्प्लेक्स जो टॉपिक है इसमें, आप देख सकते हैं यह जो है सो टॉटोमेरिज्म से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद यहाँ से ज्योमेट्रिकल और इससे ऑप्टिकल, यह जो काफी इम्पोर्टेंट है, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यह कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है काफी इम्पोर्टेंट, और तब उसके बाद ज्योमेट्रिकल, इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद जो है इसमें और भी इम्पोर्टेंस की यदि बात करें तो यह जो इम्पोर्टेंस फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, लेकिन इसमें जो है सो आपको ये 2 जो है सो ज्यादा इम्पोर्टेंट, और उसके बाद जो है सो आपको पोजिशन आइसोमेरिज्म आएगा। लेकिन यदि ये पूरे के पूरे यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस आइसोमेरिज्म पर, तो फिर आगे की केमिस्ट्री आपका जो है आसान हो जाएगा। और केमिस्ट्री में ऐसे भी कुछ है भी नहीं, बशर्ते कि थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में इसको पढ़ा जाए और अच्छी तरह से इस पर स्टडी किया जाए, तो यह बिल्कुल ही आसान सब्जेक्ट है। लेकिन अब है क्या कि यदि कॉन्सेप्ट नहीं बनता है तो यही टॉपिक या यही आपका सब्जेक्ट जो है काफी टफ हो जाता है। तो इसके बाद जो है सो हम लोग 1 by 1 करके देखते चलेंगे, जैसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजिशन, क्योंकि सबसे फर्स्ट जो है सो 11th के जो बच्चे होते हैं, वह 11th के बच्चे ये सभी को जो है सो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से जो है सो प्रॉब्लम होने लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं यही आप लोग से कहूंगा कि जो भी जैसे भी बच्चे 11th में जाए, वह 11th में ये सभी टॉपिक को क्लियर रखे, आगे जो है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो है सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।